नमस्कार, सभी का स्वागत है। यहाँ पर चोरों का जो गैंग है देश में, उसने इस बार कमाल कर दिया है। बिहार में रेलवे का पटरी चुरा लिया है। हम बात कर रहे हैं बिहार के मधुबनी जिला की, जहाँ पर 2 किलोमीटर का रेलवे का पटरी चोरी का मामला सामने आ रहा है। देश के बड़े बड़े चोर के गैंग जो है इस बार बिहार पहुंचे और बिहार में रेलवे का पटरी चोरी कर फरार हो गए। बिहार के मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड के लोहट चीनी मिल से पंडौल स्टेशन तक पटरी गायब हो गई है। मिल बंद होने के बाद से पंडौल स्टेशन से लोहट चीनी मिल तक बिछी रेलवे पटरी गायब हो गई है। इसके बाद इसकी खबर जब रेलवे पदाधिकारियों को चली तो खलबली मच गई है। इसके बाद वह लोग मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड स्थित लोहट चीनी मिल पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। झंझारपुर रेलवे पुलिस पदाधिकारी श्रीनिवास मधुबनी के पुलिस अधिकारी मुकेश सिंह के निलंबन के बाद कई और पे कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। रेलवे आईजी एससी पाटी ने मामले की जांच को लेकर लोहट चीनी मिल परिसर पहुंचे और मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। इसके घोटाले के बाद और भी अधिकारी आ सकते हैं इसके जद में। सामने तस्वीर देख पा रहे हैं, ये दीदी का यहाँ पर स्थल है जहाँ पर पूजा पाठ पूर्व में होता था। लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्रामीणों की। ग्रामीण एक अलग ही बात करते हैं। ग्रामीण बात करते हैं कि रेलवे के लोगों के द्वारा कितना चोरी किया गया, चोरों के द्वारा कितना चोरी किया गया, ग्रामीणों के द्वारा कितना चोरी किया गया। ये बड़ा आरोप है स्थानीय ग्रामीणों का कि बहुत ही बड़ा ये जांच का दायरा होना चाहिए और दूध का दूध पानी के लिए बेहतर जांच, ईमानदारी से जांच अगर हो तो रेलवे पटरी चोरी का मामला उजागर हो पाएगा। बिहार के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि यहाँ पर रेलवे का पटरी चोरी हो गया है। देश में जो भी खबर देखता है वो बोलता है कि आखिरकार ये बिहार में हो क्या रहा है। तो सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ पर रेलवे में जो 8 किलोमीटर का जो दायरा था ये पटरी का, जिसमें से 2 किलोमीटर का पटरी चोरी हो गया है। सभी लोगों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को इसी तरह की खबरें देखने के लिए। सभी लोगों तक शेयर करिए जिससे कि सभी लोगों तक ये खबर पहुंच पाए। फैक्ट्री के लोहर शुगर फैक्ट्री तक जाने वाली जो रेलवे लाइन है उसके बगल में खड़े हैं बियाडा के ठेकेदार, जिन्होंने इस कंपनी का स्क्रैप खरीदा, उसके आदमी ने यहाँ धौंस जमा करके आदमी यहाँ के लोगों को मिला करके रेलवे लाइन उखाड़ना शुरू कर दिया। उखाड़ते उखाड़ते बम ठाकुर जी के घर के नज़दीक तक गए। गांव वाले जग गए, उनको रोका, मना किया। इसके बाद आरपीएफ को फ़ोन किया गया, आरपीएफ लोग आए। आरपीएफ लोगों को आने से पहले कुछ जेसीबी वाला सब भाग गया। 2 आदमी यहाँ रह गए। उन दोनों आदमी को और उस सामान को एक भाड़े का ट्रैक्टर लेकर के यहाँ से ग्रामीण लोग भेजवाए। यहाँ जो भी जांच करने टीम आती है, सबसे पहले हमारा यही कहना है कि वो जांच नहीं करती है, वह एक दूसरे जाति को नीचा दिखाने में जातिवाद का चक्कर चला रही है। मैं डीआरएम साहब को कहना चाहता हूँ कि आप स्वयं आइए और जांच की दिशा को मोड़िए, जांच की दिशा को मोड़िए, क्योंकि आपका जाँच दिशाहीन हो रहा है। यहाँ हम लोग कुछ सलाह देंगे, उस सलाह के मुताबिक में अगर वो चाहें तो अपने जाँच की दिशा को मोड़ सकते हैं और जिससे किसी को नुकसान भी नहीं होगा। ट्रैक्टर के बारे में बार बार चर्चा चलाया जाता है, तो ट्रैक्टर के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि ट्रैक्टर किसी ने भी लिया, भाड़े पर लिया, ट्रैक्टर वाले का कोई दोष नहीं है। हम लोगों ने ट्रैक्टर वाला को साथ करके आरपीएफ साहब को कह करके यहाँ से ट्रैक्टर भिजवाया था। लगता है कि रेल प्रशासन अपनी जान बचाने के लिए उलट पुलट बात बोल रहा है। मैं दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे सामने में उलट पुलट बात बोले हैं और मैंने उनको डट करके जवाब दिया। एक रेलवे साहब ने यह भी कहा यहाँ पर कि हमको नहीं पता है कि हमारा लाइन है कि नहीं है। हम उनको बोले, मैं अभी वीडियो बनाता हूँ, आप बोलिए हमारा लाइन नहीं है, मैं अभी खींच कर ले जाऊँगा। इसके बाद वो सहम गए जी, इस कार मैंने इस पचड़े में पड़ने से बचना चाह रहे थे। इसका भी जांच होना चाहिए कि कौन कौन चोरी किया है। ये सारा ठेकेदारे काट करके ले गया है कि जिसको ये पार्टी लोग आकर के सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग काट करके ले गया है, या जांच का विषय है। और मेरा नाम विनोद ठाकुर है। किसका? ये जो पटरी उखाड़ा गया है, हाँ। जो पटरी चोरी का मामला आ रहा है सामने, इसमें पूरा क्या मामला है? इसमें जैसा सुनने में आया है, जगह जो है जहां हम लोग खड़े हैं, बेलाही पंचायत में टोले फतेहपुर मूर्ति दीदी स्थान का जगह है, यहां सिद्ध जगह है जो पंडोल से लोहट के बीच में पड़ता है। रेलवे का यह ट्रैक है। कंट्रैक्टर लोग जो आए थे लोहट को काटने के लिए, उन लोगों का जेसीबी वगैरह वगैरह मजदूर के साथ यहाँ पर आकर के लाइन को काट रहे थे। तो यहाँ जो अगल बगल के लोग हैं वो लोग मना किए, उसको बात नहीं सुना। तभी लोग जीआरपी डिपार्टमेंट खड़बड़ किए, फोन किए,
तो वो लोग आए तो तब तक ये लोग भाग गया, जेसीबी वगैरह वगैरह जितना था देखिए रहे हैं, जो जेसीबी से नोच नोच करके एक जगह किए हुए है, जो और काटता जो नहीं कटिंग हो सका थोड़ा उधर काटा है मेन रोड के साइड में, और बैक साइड में पूरब साइड से जी बहुत काट चुका था पहले, जो टर्न करके ले गया अपना, और इधर जो काट रहा था उसी वक्त में जीआरपी लोग आ गए, तो एक दो आदमी यहाँ जो बचे हुए थे जैसे ट्रैक्टर भाड़ा पर लिए हुए था वो ट्रैक्टर वाला धरा गया, तो उसी ट्रैक्टर पर जीआरपी वाले लोग जो थे वो वही लाइन जो कटा था उसको लोड करके ये लोग पंडोली और सकरी ले गए जब्त करके और उसको अरेस्ट करके भी ले गए। किस चीज़ का ये किसका संपत्ति है? रेलवे का है। रेलवे का कितने किलोमीटर? रेलवे का है। मोलन साहब थे यहाँ जनरल मैनेजर उस वक्त में, लोहट से अनरा अठारी तक रेलवे लाइन स्टेशन भी बनने की बात हुई थी रेलवे द्वारा, लेकिन उस टाइम में नहीं हो सका किसी कारण, बस आगे विस्तार नहीं हुआ, लेकिन रेलवे का ही है और रेलवे का यहाँ बजाबते ऑफिस था, मालबाबू रेलवे के मैनेजर अति स्टेशन मास्टर बैठते थे, जो अभी तक भी मकान ही है, अब क्षतिग्रस्त हो गया। कितने किलोमीटर का ये मामला है चोरी का? यहाँ से लगभग लोहट 2 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर जी, पटरी उखाड़ कर ले गया। हाँ अच्छा, कितने लाख का ये होना चाहिए अगर? अब लाख इसका प्राइस तो हमको नहीं कोई अंदाजा है, वो तो एक्सपर्ट ही बतला सके। क्या लग रहा है कि ये स्क्रैप के लाखों में तो होगा जरूर? स्क्रैप के आर में ये सब हो रहा था क्या? हाँ, कहा जो स्क्रैप में हम काटे हैं, स्क्रैप हमारा पंडोल तक है, हमारे अंदर में दिया हुआ है। अच्छा, उसको अब कौन सजेशन दिया जो कि नहीं फैक्ट्री का है, जबकि फैक्ट्री का नहीं है ये हम लोग जानते हैं, बचपन से जानते हैं, जो कि रेलवे का ही इंजन से वैगन आता था, फैक्ट्री का इंजन इस पर नहीं आ सकता। ये जो उजागर हुआ है किसके संभव किसके कारण हो पाया है उजागर, ये जो मामला है ग्रामीण के द्वारा? जी ग्रामीण के। हाँ, वहाँ जो लोकल उन लोगों का घर है, वो लोग जबरदस्ती कर रहा था जो हम पीच रोड को तोड़ करके हम आगे बढ़ेंगे। पीच को भी तोड़ देंगे? हाँ, मेन रोड जो सरकार बनाए हुए है पीच रोड पक्की सड़क है, उसको तोड़ करके उसी पर वो लोग विरोध किया, तो उस पर दबंगते दिखाया, तभी लोग जीआरपी को खबर किए, तो जीआरपी लोग आए तुरंत, लेकिन तुरंत पहुंच गए। ये जो दीदी का जो इतिहास है आप क्या बता रहे थे उस समय में? कौन चीज़? ये जो दीदी का जो इतिहास है, ये इतिहास ऐसा है। क्या नाम है इनका पूरा? ये मूर्ति दीदी हम लोग इनको जानते हैं, यहाँ पूजा पाठ बड़ा नियम निष्ठा से होता है। जयनगर से जब वैगन आती थी पंडोल होते हुए, लोहट ब्रांच लाइन है, तो यहाँ पर आकर के ऐसा था जो कि अगर यहाँ कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता था, एक ठो लड्डू हुआ, 2-3 ठो 5 ठो कुशियार ऊख गन्ना और एक ठो अगरबत्ती, इतना यहाँ दे करके फूलमाला दे करके प्रसाद बांट करके तब इंजन आगे बढ़ता था। अगर जो ड्राइवर मालूम नहीं होता था सीधे लेकर के चल जाता था तो यहाँ ब्रेक हो जाता था, किसी भी कीमत पर किरान भी आता था रेलवे का, लोहट का इंजन आता था लेकिन नहीं चलाता था। एक बार जो मुस्लिम ड्राइवर आ गया था उसमें क्या? हाँ, उसमें हुआ कब उजागर हुआ मतलब डेट तो नहीं याद है, लेकिन वो मिल का मतलब जो मिल स्क्रैप काट रहा है काट रहा था, वही लोग आए या मतलब पिच भी उखाड़ना चाहते थे, तो हम लोग रोके क्योंकि नहीं पिच नहीं उखाड़िए, अगर पिच बना दीजिएगा तो मतलब ठीक है, और नहीं तो मतलब पिच नहीं उखाड़िए, इसे इधर अपना काटिए, आपका टेंडर है। तो वो लोग कहे कि नहीं हमको पंडोल तक टेंडर है, तो हम कहे ठीक है टेंडर है तो पिच कम से कम छोड़ दीजिए। उसके बाद मतलब हम लोग जहाँ तहाँ फ़ोन किए, कैसे न कैसे आरपीएफ लोग आ गए, वो 2-4 गो जो आरपीएफ आए उसके बाद बच गया, थोड़ा दूर काटे हुआ था, जेसीबी फेसीबी लेकर के उस लोग भाग गया, भागने के बाद मतलब फिर ये लोग अपना मतलब रुके, रुकने के बाद वो सब धीरे 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 सब ससर गया, वो सब का स्टाफ भी मतलब क्या कहते हैं, तब फिर ये लोग अपना ले गए। तो क्या हो रहा था जिस समय में आपने देखा, तो उस समय में क्या हो रहा था यहाँ पर? हम तो मतलब शुरू से देखे जो कि वो लोग आए 5-7 रोज 10 आदमी से काटना शुरू किए। दिन में काट रहे थे कि रात में? नहीं दिन में। अच्छा, तो एक दिन में कितना काट लिए थे, पूरा काट लिए थे कि? नहीं एक दिन मतलब थोड़ा ही काटे कि तब तक में पुलिस लोग आ गए, उधर पहले से भी अपना काट रहे थे। कहाँ का पुलिस? आरपीएफ। आरपीएफ का? हाँ। अच्छा, तो उन लोगों को पकड़ा भी क्या? हाँ पकड़ा भी। कितना लोग पकड़ा के गया? अब सोने कहेंगे, आपके सामने में कितना लोग था काट रहा था? काट रहा था तो बहुत था, लेकिन पकड़ा के क्या आदमी गया सो नहीं मतलब हम कुछ जब्त भी हुआ था यहाँ से? हाँ, रेलवे पटरी जब्त किए वो बस। हाँ, ट्रैक्टर वगैरह नहीं? हाँ, मतलब ट्रैक्टरे से ले गए। ट्रैक्टर? हाँ, ट्रैक्टर मतलब अथी नहीं की मतलब किए, तो ट्रैक्टर मतलब वो बोल रहे थे कि भाड़ा पर किए। तो मामला क्या था, चोरी का था क्या? हाँ, चोरी ना कर रहा था वो मतलब हम लोग जानते हैं जो कि था अथी का क्या कहते हैं रेल का, काट रहा था मतलब वो स्क्रैप में बोल रहा था कि हम पंडोल तक अथी किए हैं टेंडर लिए हैं, तो हम लोग बोले जो कि नहीं पीच कम से कम छोड़ दीजिए। क्या नाम है पूरा? बमबम ठाकुर। गांव? फतेहपुर बेलाही। वार्ड? वार्ड 6। सर रेलवे का मैंने स्क्रैप पर बिका है, उस पर ठेकेदार लिए हैं,
वही ठेकेदार लोग अपना रेलवे को भी इसमें शामिल करके ये मेरा है दावा करके ये रेल लाइन काटना शुरू कर दिए, जो लाइन पंडोल तक जाती है, लोहर से पंडोल तक बिछी हुई है। जब काटते काटते तर यहाँ पर लोकल टोला पर आए तो हम लोग इसका विरोध किए, जो भाई तो रेलवे का संपत्ति है आप कैसे काट रहे हो। वो बोले जो नहीं ये भी मेरा ही है, रेलवे का नहीं है, ये पंडोल तक मेरा ही है। उसके बाद हम कहे ठीक है आपका है तो हम लोग खबर करते हैं रेलवे को। फिर RPF को खबर किए हम लोग RPF, लेकिन खबर करने के ठीक आधा घंटा के बाद वो लोग आ गए, तीन आदमी से आए। अब वहाँ पर मान लीजिए जो दो चार उसका स्टाफ था वो तो भाग गया, एक स्टाफ यहाँ पर रह गया था, लोहर फैक्ट्री का जो स्टाफ था एक रह गया था, उसको उसने अरेस्ट किए। जो टुकड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ था वो बोले जो एक ट्रैक्टर कोई गाड़ी कर दीजिए हमको दरभंगा यहाँ से ले जाएंगे। फिर हम लोग भाड़े में 1200 रुपया में ट्रैक्टर भाड़ा पर किए, फिर वहाँ से लोड करवा करके हम लोग दरभंगा भेज दिए। एक आदमी सर अभी जेल में है। जी नहीं सर, रेल कर्मी की कोई कहीं भूमिका नहीं है इसमें, इसलिए तो आए तो वो तो बच गया, नहीं तो सर पूरा काट लेता जो उसका अथी था। इसमें सर जो ठेकेदार लिए हुए है स्क्रैप उसी का वही पूरा कटवाया है, और वो यदि नहीं आते तो पूरा कट जाता, पंडोल तक सर कहीं दिखने को नहीं मिलता। अभी सर लगभग मान लिया 1.5 से 2 किलोमीटर लगभग गैप होगा। अजय कुमार ठाकुर।